नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि यदि आपको गणेश चतुर्थी के दिन भूलवश चंद्र दर्शन हो गए हैं तो आप ऐसा क्या करें कि आपको उस चंद्र के दर्शन होने का जो एक बहुत ही बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, और वो कष्ट है कि आप पर कोई कलंक लगेगा, उस कलंक से आप मुक्ति कैसे पाए। जी हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन होने पर हमें कलंक लग जाता है, हमारे ऊपर कोई झूठा आरोप लगता है। तो उस कलंक या झूठे आरोप से बचने के लिए आप ऐसा क्या करें, क्या आपको करना चाहिए, तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको उस झूठे आरोप से, उस कलंक से मुक्ति के लिए एक कथा सुनाती हूँ। यदि आपने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन भूलवश कर लिए हैं तो आपको इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। चाहे आप श्रवण कीजिए, चाहे आप इसका वाचन कीजिए, कुछ भी कीजिए, परंतु आप इस कथा को श्रवण या वाचन अवश्य कीजिए, ताकि आपको चंद्र दर्शन से होने वाले प्रभावों से मुक्ति मिल सके, क्योंकि चंद्र दर्शन से आप पर बहुत बड़ा कलंक लग सकता है। जी हाँ, कलंक के आप भागी होंगे। तो आइए अब हम करते हैं कथा। यह एक बहुत ही प्रामाणिक कथा है, सैमंतक मणि की प्रमाणिक कथा। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली सैमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दी। एक दिन प्रसन्नजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया तो वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रिच्छों का राजा जामवत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसन्नजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा, अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने हर तरफ प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसन्नजीत को मारकर सैमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसन्नजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसन्नजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवत युद्ध के लिए तैयार हो गया। वहाँ युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। वहाँ 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सके। तब उसने सोचा कि कहीं यह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुए। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से सतधन्वा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ले। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे।
वैसा तो धनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिली। बलराम भी वहाँ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ, वे अप्रसन्न होकर विद्रुप चले गए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि सैमंतक मणि के लोभ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वह नारद जी आ गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ रहा है और आप पर बार बार यह कलंक और झूठे आरोप लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्यों हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है? तब नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमोदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बहुत ही कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धिविनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवंत मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन पुत्र सौभाग्य और विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधिपूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। तो यही वह प्रामाणिक और पौराणिक कथा है जिसको सुनने मात्र से यदि आपने गणेश चतुर्थी के दिन भूलवश चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो आप उसके अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं, उसके कलंक से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना लौटेगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जय गणपति जी महाराज की जय हो।